हेलो एंड वेलकम टू रेस स्पोर्ट्स। मैं संदीपन बैनर्जी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आपका स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है आज इंडिया के लिए, ऑलमोस्ट डू और डाई एनकाउंटर, क्योंकि इंडिया अपना पहला जो सुपर फोर मैच है इस एशिया कप में वो हार चुका है। तो उसके बाद हमें जो नेक्स्ट दो मैचेस हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ जीतना ही है अगर हम फाइनल क्वालिफाई करना चाहें तो। और श्रीलंका जो है अपना पहला सुपर फोर मैच जीत चुका है अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो श्रीलंका एक इनफॉर्म टीम है, जिन्होंने श्रीलंका ने अपना पहला जो मैच इस टूर्नामेंट का जो लीग मैच था वो अफगानिस्तान से हारा था, लेकिन उसके बाद अपने नेक्स्ट दो मैचेस में इन्होंने दो बड़े स्कोर चेज किए। तो उनका टीम अभी कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। हालांकि इंडियन टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन टूर्नामेंट में। वी लॉस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान इन द वेरी लास्ट ओवर, सो इंडियन टीम ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट होगा इस मैच के लिए। हम ऐसे बहुत सारे डू और डाई सिचुएशन में ये हम लोग खेल चुके हैं इससे पहले, तो आई डोंट थिंक प्रेशर, ऑब्वियसली जीतने का तो प्रेशर होगा लेकिन नॉकआउट मैच प्रेशर उतना नहीं होना चाहिए इंडियन टीम के ऊपर। अगर टीम के चेंजेस के बारे में हम बताएं तो शायद आज अश्विन को मौका मिल सकता है इन प्लेस ऑफ चहल। बाकी हम आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ चेंजेस हमें इंडियन टीम की तरफ से देखने को मिलेगा। टॉस हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दोनों ही कप्तान चाहेंगे कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग किया जाए। हालांकि ड्यू इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में जो सेकेंड हाफ है वो बैटिंग के लिए थोड़ा सा ईजी रहता है। तो देखते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा मैच यहाँ पर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। आज तो उतना देयर इज़ नॉट मच ऑफ क्राउड टुडे कंपेयर टू, अगर हम देखें कि पाकिस्तान मैच में जैसा माहौल था वैसा तो नहीं है, क्राउड नहीं है, बट इंडियन क्राउड आएंगे। आज वर्किंग डे है तो मे बी थोड़ा सा अभी मैच शुरू होने में एक डेढ़ घंटा बाकी भी है, तो थोड़ा सा बाद में इंडियन क्राउड आएंगे, बट वी एक्सपेक्ट ए गुड गेम। एंड श्रीलंका, लेट्स नॉट काउंट श्रीलंका आउट इन दिस कॉन्टेस्ट, बिकॉज श्रीलंका ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा मैच आज हमें देखने को मिले।